एक समय था जब रेडियो घर में होना शांति बात मानी जाती थी। धीरे धीरे समय परिवर्तन होता गया और रेडियो का स्थान ब्लैक एंड व्हाइट और कलर टीवी ले ली। इन दिनों स्मार्ट टीवी के साथ साथ होम थिएटर का जमाना लौटा और अब वर्तमान में टीवी का स्थान मोबाइल ले लिया है। लेकिन आज भी रेडियो के प्रशंसक है जो विगत कई दशकों से रेडियो का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे ही एक प्रशंसक करीम भाई से मुलाकात हुई जो चौराहे पर चाय की चुस्की के साथ साथ वर्तमान में गुजरात दिल्ली चुनाव पर चटकारे ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक बार फिर समय का परिवर्तन होगा और रेडियो का युग आएगा। आइए आपको सुनाते हैं करीम भाई के मस्त बातें और रेडियो को लेकर उनकी क्या धारणा है। करीम भाई वीडियो फिल्म बन रही करीम भाई की, वो कहते हैं थोड़ा कई दिन के आंखी के थोड़ा इलाज चल रहा है दिल्ली में, इंडिया नोट की वजह से कुछ लोग आप लोग मदद करिए, दिल्ली जाना ज्यादा से ज्यादा मदद करे, देगा दिलाए उसका नफा भगवान से, देगा दिलाएगा उसका नफा भगवान से, जो देगा दिलाएगा उसका नफा बेटे भिखारी होता है, देगा दिलाएगा उसका नफा अल्लाह से। हम ऐसे कांटा लगाते हैं सुन लेते, थोड़ा आंखें जरा कमजोर है और दिल्ली में मेरा इलाज चल रहा, कुछ थोड़ा चंदा की 50,000 जरूरत है, दिल्ली में मेरा चल रहा है। करीम बाबा अरे ये फिर अरे करीम भाई जिनके दोनों आंखों का पर्दा उखड़ गया दिल्ली से मिला चल रहा, उनको 20,000-50,000 जरूरत है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा मदद करें, मदद अल मदद। क्या नाम है आपका? मोहम्मद करीम भाई। ये आज भी आप रेडियो सुन रहे हैं? अरे तो रेडियो का जमाना आ गया फिर से वापस, जो निकल गया ना लौट के वही आएगा फिर से, जो चला गया लौट के युग फिर वही पलटेगा, वही फिर वही आएगा। कब से आप ये रेडियो सुन रहे हैं? अरे मुझे कम से कम 10 साल हो गया, और हमारे अब्बा बहुत ही सो रहे थे, हम लोग छोटे छोटे तो अब्बा हमारे लगा के सो जाते हैं तो हम लोग उठ के बंद कर देते हैं, अरे माजा चल रहा है बीबी से जरूरत है 10 बजे सो उठी हम लोग रात की पिताब करें, हमने नहीं आ रही रेडियो चालू बंद कर। आज आप चुनाव के उसमें सुन रहे हैं? दिल्ली में चुनाव है आज, उसकी गिनती है, और केजरीवाल आ रहे हैं और भाजपा जा रही है और कांग्रेस का पत्ता साफ हो रहा है। और गुजरात में क्या हाल है? गुजरात में तो ठीक चलेगा, लेकिन वहाँ अगर हो सकता है कि आम आदमी की या कि आम आदमी वाले अब कांग्रेस मिला के बना सकते हैं, लेकिन लोग कैसे पेपर कह रहा है कि भाजपा फिर आ रही, 27 साल से रसाधन चल रहा भाजपा का, वहाँ हम बदलाव चाहते हैं, हमें बदलाव चाहिए, जो सरकार निकलनी है हम वो सरकार बदल देंगे, हमें चाहिए बदलाव। बदलाव होगा हिमाचल में? क्या होगा हिमाचल में? टक्कर है, देखिए क्या होता है कल भवा। किसकी किसकी टक्कर है? और कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है। ये रेडियो में आप सुन रहे हैं? इसमें भी तो गाना सुन रहे हैं, अभी नहीं आ रहा, कल सुबह 10 बजे गिनती है, आज एमसीडी की गिनती है ना, आज दिल्ली वाली गिनती है, 250 सीट में केजरीवाल 150 में आ रहा है, 50 में भाजपा और कांग्रेस में 50, 250 में 150। नमस्कार रीवा, मैं हूँ भानु पंडित और मैं हूँ अनीता भट्ट, और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने जिसका नाम है उड़ान शाम में गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए, और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। तो सी यू ऑल दैट।